चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन है। मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं, इनका नाम हमजा है। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? हम दोनों का ताल्लुक जेहलम से है। तो आप शो के लिए आए हैं लाहौर या लाहौर में मुकीम है? जी हम स्पेशली OMC के लिए आए हैं आज। वाह जी वाह। जी जैन साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? नहीं सर। ताल्लुक यूरोप से? नहीं सर। अमेरिका से? जी सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? जी सर। अच्छा, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? कह सकते हैं, लेकिन मेन वजह शोहरत नहीं है। मेन वजह शोहरत नहीं है, सियासत और हुकूमत। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा? जी। 100 साल से ज्यादा? नहीं। 100 और 50 के बीच, 1922 के बाद इंतकाल हुआ और 72 से पहले, ऐसे ही है ना जी? जी सर। अमेरिकन पर्सनालिटी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है, सही, लेकिन वजह शोहरत नहीं है। वजह शोहरत इल्म फजल है? नहीं। वजह शोहरत डिटरमिन करें ना। कोर्ट्स में उस दौर में अगर सियासत और हुकूमत से मुतालिक हैं तो फिर मशहूर स्पोर्ट्समैन कौन सा है जो सियासत और हुकूमत में भी रहा हो और ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से है? कोई राइटर? इल्मो फजल पूछा? ताल्लुक नहीं है। इल्मो फजल से ताल्लुक नहीं है। लिटरेचर इज आउट? यस एब्सोल्युटली, लिटरेचर आउट है। तहकीक मुहक्किक शौकिक नहीं है। तो कोई मिलिट्री ऑफिसर? गुड। मिलिट्री से ताल्लुक? नहीं। तो मैकार्थर इज आउट? जनरल मैकार्थर इज आउट। व्हाट अ पर्सनालिटी। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत भी नहीं है, ताल्लुक है, ताल्लुक है, वजह शोहरत नहीं है। अच्छा जी, 72 से पहले की है, 60s में, 60s 50s में इंतकाल हुआ। एक बड़े मशहूर थे वो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो, और उनका भाई था जो CIA का डायरेक्टर था, एलन डलस। डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नहीं, वो उसके नाम थे जॉन फॉस्टर डलस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। जॉन फॉस्टर डलस असल आदमी, जिसकी वजह शोहरत क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना वो? नो, शयूख को उसने इकट्ठा किया था। ये जितने अरब्स हैं अमरीकी बैनर तले इकट्ठा करने का, अगर किसी फर्द वाहिद को क्रेडिट जाता है तो जॉन फॉस्टर डलस। और उसको कहते हैं रॉयलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, इफ यू रिमेम्बर। उस चैप्टर का नाम है अमेरिकन हिस्ट्री में द रॉयलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। इल्मो फजल से ताल्लुक ही कोई नहीं, यानी उसने कुछ भी लिखा पढ़ा कुछ नहीं। तो मशहूर किताब, तो मशहूर को मामला, नो। कोई हुकूमती ओहदेदार रह चुका है बंदा? कोई हुकूमती ओहदेदार थे बड़े? जी नहीं। साइंस टेक्नोलॉजी? साइंस टेक्नोलॉजी शोबिज, ये पीरियड जो है शोबिज का है। जी जी, क्या ख्याल है? यस। ताल्लुक शोबिज से है भैया? नहीं। तो फिर पूछे क्यों अगर ताल्लुक किसी से भी नहीं है? शोबिज से कोई ताल्लुक नहीं। बिग बिजनेस रह गया, देख लें। बिग बिजनेस से ताल्लुक है जैन साहब? नहीं। अच्छा जी, डेथ का एरा क्या है? 1922 से 1972 के दरमियान। 60s। यार रात होगी, बड़ी चिराग तले अंधेरा वाला मामला हो रहा है। ये बड़ा गोल्डन एरा था, ये बड़े बड़ी अहम शख्सियत थी। क्या हम उधर जा ही नहीं रहे जैन साहब? मजहबी शख्सियत थी कोई? मजहब से भी ताल्लुक था। मार्टिन लूथर किंग की तरफ जा रही है भाई। मार्टिन लूथर किंग किया हुआ है पहले? नो सर। नहीं किया। अभी ही वाज किल्ड इन 1968 नोबेल प्राइज। एक सेकंड, वाज ही एन अफ्रीकन अमेरिकन? जी सर। आई हैव अ ड्रीम इनकी स्पीच का नाम है? जी सर। मार्टिन लूथर किंग पूछा है भाईजान आपने, हमें मुसीबत में डाला हुआ है। आपका कसूर नहीं, आपने ठीक बताया, हम ही कुछ ज्यादा इजी ले गए थे। आपका हर जवाब नपतुल्ला है, बिल्कुल ठीक।